अक्सर सर्दियों के दिनों में सबका फैट बढ़ जाता है और सर्दी होने की वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, डाइट का भी ध्यान नहीं रख पाते, जिसकी वजह से हर सर्दी में कुछ ना कुछ आपका वेट गेन हो जाता है, जिसको कम करना बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए। तो मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी टेक्निक जो कि खासकर सर्दियों के दिनों में ही आप कर सकते हैं और जो कि दुगनी तेजी से आपकी जिद्दी फैट को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। साथ में 3 से 4 फूड ऐसे हैं जिनको आप ऐड करते हो सर्दियों के दिनों में अपने खाने में, जो कि हेल्प करेंगे आपकी ज्यादा वेट कम करने में बिना एक्सरसाइज के और बिना किसी स्पेशल डाइट के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हो तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि सर्दियों के दिनों में कहां आप एक एक घंटे की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, टाइम भी इतना नहीं होता है, तो आप अवॉइड कर देते हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। बात करें डाइट की तो गर्म गर्म चाय सबको पसंद होती है, कभी कभार पराठे भी हो जाते हैं उसके साथ, तो इसलिए आपका वेट गेन हो जाता है सर्दियों में और ये वेट बढ़ा हुआ आपको परेशान करता है, गर्मियों के दिनों में कम नहीं हो पाता है। चलिए जी, मैं एक टेक्निक आपको बताऊंगी जो कि सर्दियों के दिनों में ही आप कर सकते हो। मैं कोई एक्सरसाइज स्पेशल नहीं बताऊंगी, ना ही ये बताऊंगी कि आप सब चीजें खाना छोड़ दे, बस फास्टिंग पे चले जाए, ये भी नहीं बताऊंगी। कुछ फूड भी बताऊंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके वेट को बहुत जल्दी कम करने में, स्पेशल सर्दियों के दिनों में। आपकी बॉडी में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग करनी पड़ेगी। ये क्या होता है भाई, ये वर्ड कैसा बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग अगर आपकी बॉडी में हो रही है तो आपका फैट तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा, चाहे आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो। तो ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, आपकी बॉडी में जो एनर्जी बनती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ये एटीपी के रूप में आपकी बॉडी में एनर्जी बनाता है जो कि स्टोरेज एनर्जी होती है एक तरीके की, आपकी बॉडी के अंदर रहती है। यानी जैसे आप खाना खाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको एटीपी में चेंज करता है। अब अगर आपको वजन घटाना है तो आपकी बॉडी क्या करने लगती है, कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हो जिससे आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग होने लगती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कम एटीपी बना के ज़्यादा हीट बनाने लगती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो वो हीट है वो उसको तो आसानी से खत्म किया जा सकता है, पसीने के जरिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है वो हीट, और आपकी बॉडी में कम एनर्जी स्टोर हो पाती है जिससे फैट कम गेन हो पाता है। अब ये तरीका क्या है, क्या करें हम जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग हो सके हमारी बॉडी में। तो पहले बताती हूँ कौन कौन सा वो खाना है जिसकी वजह से ये माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग हो सकती है। देखो, हम हमेशा क्या मानते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है और इसीलिए हमारा फैट गेन हो जाता है, जबकि ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी में एक ऐसी मशीन है जो कम खाना खाने के बाद एनर्जी ज़्यादा निकाल रही है, यानी वो देर तक काम कर पाती है। लेकिन सभी लोग कम खाना तो नहीं खा पाते हैं ना, कब तक भूखे रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सामने दिख जाता है, तो इसलिए फैट गेन जल्दी हो जाता है। तो चलिए इस पर बात ना करते हो, हम बात करते हैं कि कैसे ये काम करे। एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं रेस्वेराट्रोल, जो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग का काम तेजी से करवा सकता है। अब ये रेस्वेराट्रोल ये कहाँ से मिलेगा, कौन से फूड में होता है, तो आपको एक ऐसा फूड बताती हूँ जो खाने में बहुत टेस्टी होता है, शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो खाया होगा, कुछ लोग तो रोज ही खाते होंगे, तो वो है पर्पल कलर के जो ग्रेप्स होते हैं जिनको लाल अंगूर भी बोल देते हैं। अगर लाल अंगूर आप खाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में रेस्वेराट्रोल होता है, जो क्या काम करता है कि आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग को बढ़ावा देता है, जिससे हीट जनरेट होती है और वेट घटाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। सेकंड चीज, इसके अलावा क्या हो सकती है, क्रेनबेरी, ब्लूबेरीज, जितनी भी बेरीज हैं अगर आपको गुड क्वालिटी की मिलती है तो वो भी आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग का काम करती है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, पिस्ता, ग्रीन टी, ये सभी चीजें वेट लॉस में आपकी हेल्प करती है, इसके अंदर भी रेस्वेराट्रोल होता है। अब इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी वेट लॉस करने में, और कौन सी ऐसी वो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ जो सर्दियों के दिनों में आप कर सकते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीजें मैंने बताई आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप हेल्दी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये चीजें खाने लग जाएं। कुछ लोगों को वेट घटाने का इतना ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस चढ़ा हुआ होता है कि वो बाकी चीजें भूल जाएंगे, बस इन चीजों को खाने लग जाएंगे। किसी भी चीज की अधिकता भी आपको परेशान करेगी। लिमिट में खाना है तभी आपके ऊपर ये असर होगा। फिर अगर आप इस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं कि आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन कर सके, आपकी बॉडी में अगर ये चीजें खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, क्रैनबेरी खाते हैं, ब्लूबेरीज खाते हैं, डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो लिमिट में खाइए और ये अच्छे से काम कर सके, आपकी बॉडी में हीट जनरेट कर सके या वेट कम करने में आपकी हेल्प कर सके, तो आपको इसको लिमिट में खाना है। और जो बाकी चीजें हैं जो कि आपको मतलब रोकेंगे एक तरीके से वेट कम करने में, वो है जरूरत से ज्यादा रोटी खाना। रोटी आप अगर खाना चाहते हो, ग्रेन खाना चाहते हो, एक या दो बार ही आपको दिन में खाना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शुगर या शुगर से बनी चीजें, स्टार्ची फूड अगर आप खा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करती है। जो ये फूड आप खाएंगे जिसमें रेस्वेराटोल होता है, जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा, उसमें रुकावट पैदा करती है। तो इसलिए मीठा, रोटी, चावल, ये चीजें आपको कम से कम खानी है। फिर और चीजें क्या है जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करती है, वो है फाइबर रिच फूड, यानी कि जितनी भी सैलेड है उनको आपको ज्यादा मात्रा में खाना है। अगर आप फ्रूट भी खा रहे हैं उसको आपको छिलका समेत खाना है, यानी आप छिलके सहित खाते हैं तो ज्यादा फाइबर आपकी बॉडी में जाता है, जिससे आपकी माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग जो होती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में होती है। फिर अगर आपको भूख नहीं है तो बिना भूख के कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप देना है दूसरे खाने के बीच में। बार बार मुंह में ऐसी वैसी चीजें नहीं डालनी है। इसके अलावा जितने भी पैकेट फूड होते हैं, मार्केट के फूड होते हैं, उनको बिल्कुल पूरे तरीके से अवॉइड करना, क्योंकि उनके अंदर मैदा, चीनी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपके वेट लॉस में या माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग में बाधा बनती है। इन चीजों का ध्यान देना है। आप सर्दी के मौसम में क्या टेक्निक ऐसी है जो कि वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी? आपको क्या करना है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो उसका फायदा उठाना है। आप अपने घर की छत पर जाइए, लेकिन आपको कोई भी गर्म कपड़े नहीं पहनने हैं। सिर्फ आधा घंटा अपने आपको टाइम देना है। वो जो ठिठरना आपकी बॉडी के अंदर होता है ठंड के मौसम में, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस में। अगर आधे घंटे के लिए आप ये कर पाते, देखो पहले दिन तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, आपको शायद ठंड भी लग सकती है, लेकिन डे बाय डे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी हर हालत में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो प्रोटेक्ट कैसे करेगी, वो अपनी हीट को जनरेट करना शुरू कर देगी। अब इस हीट को जनरेट करने के लिए वो क्या करेगी कि आप जो भी खाना खाते हैं उसको हीट में बदलना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये तो बहुत ठंड में जाता है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, बॉडी को ये लगेगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोटेक्ट करने का काम शुरू करती है, यानी हीट जनरेट अपने अंदर से करना शुरू करेगी, वो हीट जनरेट करेगी तो जितना भी फैट आपका पड़ा हुआ है सबको यूज कर लेगी। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, वॉकिंग करना शुरू करिए ताकि हीट ज्यादा जनरेट हो। वॉकिंग करते करते आपको ठंड भी कम फील होगी, और वॉकिंग को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और उस दौरान ज्यादा आपका वेट लॉस हो सके तो आप डंबल भी कैरी कर सकते हैं, कोई वेट कैरी कर सकते हैं, जैसे बकेट ले सकते हैं, बकेट में थोड़ा पानी भर सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं हाथों में लेके। अगर ये वॉकिंग आप करते हैं और बिना गर्म कपड़ों के, तो आपका डबल तेजी से वजन कम होगा, ये आप करके देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि हमें ठंड ना लग जाए, ठंड से बचना चाहते हो कि सर्दी जुकाम ये सब चीजें ना हो जाए, तो उसके लिए 1 कप ब्लैक कॉफी बिना चीनी वाली आप पी के ये वॉक कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, ज्यादा डाइट आपसे नहीं होती है, आप जल्दी से वेट कम करना चाहते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। और कुछ लोग ये तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं कि वो बर्फ के पानी में बाथ लेते हैं, यानी कम से कम 10 मिनट के लिए वो बर्फ के पानी में भीग जाते हैं या डूब जाते हैं उसके अंदर, अपनी गर्दन को ऊपर रख के। तो जब एक ठिठुरन हमारी बॉडी के अंदर पैदा होती है, जिसको शिवरिंग भी बोलते हैं, जब वो शिवरिंग पैदा होती है, जैसे कपकपी पैदा होती है, उस दौरान हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, और उस हीट को जनरेट करने में बॉडी की बहुत सारी एनर्जी, या आप कह सकते हैं जो भी फैट इकट्ठा किया होता है उसमें बहुत सारी एनर्जी यूज होती है। बस ये तरीका है अगर आप चाहते हो बिना एक्सरसाइज के आपका फैट कम हो जाए। तो हमारे पास एक बेस्ट तरीका है, जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है तो उसमें बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर की छत पर जाइए, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा लीजिए, थोड़ा सा कपकपी महसूस करिए, और उस दौरान आपका काम हो जाएगा। आप वॉक कर सकते हैं, और ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सुबह ही आपको करना है, शाम को आपको करना है,
एक दो दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा या थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर्दी जुकाम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके सब बैलेंस हो जाएगा और आपका वेट भी जल्दी कम हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके थे जो मैंने आपको बताए कि बिना एक्सरसाइज के ही आप अपने वेट को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।